जनपद शामली में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेसियों ने शुक्रवार को पेट्रोल पंपों के सामने प्रदर्शन करते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। अनुज गौतम, शहर अध्यक्ष शामली। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कारण? आज ये प्रदर्शन जो हमारा प्रदर्शन है पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश में है, और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के कारण आज हम लोग को सड़कों पर आना पड़ा, क्योंकि आज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से चाहे वो रसोई की गैस हो, चाहे वो किसान की खेती हो, या मजदूर का आना आवागमन का साधन हो, या गरीब व्यक्ति की रोजगार की बात हो, सब प्रभावित हो रही है। क्योंकि अगर आज डीजल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, तो यातायात के संसाधनों में चाहे वो हमारा खाद्य सामग्री हो, वो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से उनकी कीमत चरम पे है। आज हर व्यक्ति भुखमरी के कगार पे है, जबकि इस टाइम सरकार को चाहिए था कि गरीब व्यक्तियों को सहायता दी जाती, गरीब व्यक्तियों का सहयोग किया जाता। आज पेट्रोल डीजल के दाम त्वरित कम करने की आवश्यकता है। अगर ये दाम कम ना हुए तो गरीब व्यक्ति भुखमरी के कगार पर आ जाएगा, और स्थिति इसकी सारी जो दोषी होगा निश्चित रूप से वो सरकार होगी। और मैं सारे फ्रंटल संगठनों के साथ मिलके यहाँ पे शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी, सेवा दल और किसान प्रकोष्ठ, प्रचार प्रकोष्ठ, अनुसूचित प्रकोष्ठ और जितने भी हमारे कांग्रेस के प्रकोष्ठ हैं, उन सभी के पदाधिकारियों के माध्यम से खड़ा होकर यह बात कहता हूँ कि सरकार को तुरंत गरीबों की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, इस बात को तुरंत डीजल और पेट्रोल के दाम तुरंत बढ़ाने चाहिए। आज ये प्रदर्शन पूरे भारत देश में है। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस और हमारी राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ये महंगाई जो है पेट्रोल डीजल को लेकर है, और जो पेट्रोल डीजल में समय समय पर हर समय वृद्धि हो रही है, इससे जनता हताश है, और हर कोई किसान हो चाहे व्यापारी हो मजदूर हो, हर कोई हताश है। क्योंकि ये क्या नाम है, पेट्रोल डीजल से जो है बहुत इससे कारण ही हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सभी जनता परेशान है। जनता की आवाज़ उठाने के लिए प्रियंका जी ने ये इसी वजह धरना दिया है आज शामली के इस पेट्रोल पंप पर। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, प्रदेश में देश में भी ये तो एक दिन का धरना है हमारे यहाँ पे। संकेतिक धरना है पूरे प्रदेश में।